की काश्त फरोग पा रहा है। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की काश्त से अच्छा फायदा हासिल हो रहा है। लसांबा के जाख इलाके के रहने वाले किसान रणधीर सिंह इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की काश्त कर रहे हैं और इस काश्त से अच्छा मुनाफा भी हासिल हो रहा है। किसान रणधीर सिंह का कहना है कि वो पहले सब्जियां काश्त करते थे लेकिन उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलता था और इसके बाद से वो इस काश्त को करते हुए आ रहे हैं। वो ड्रैगन फ्रूट की काश्त कर रहे हैं, इससे काफी फायदा भी हो रहा है और महकमे बागवानी भी इसमें उनकी मदद कर रहा है। महकमे बागवानी के डायरेक्टर राम सेवक ने न्यूज 18 जे के लिच से बातचीत करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिससे काफी फायदा लोगों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि नौजवान इन स्कीमों से फायदा उठाएं और महकमे बागवानी में शमूलियत इख्तियार करें। मैं तो मोड़दा बोलूंगा रणधीर सिंह जी, मैं लांदे हुई है 3 साल हुई है ड्रैगन, सैकंड ईयर मेरा ड्रैगन लाने का। और पहले मैं लांदा रहा, ब्रोकली लांदे रहे और सब्जी लाई है, मूलियां कणक लांदे रहे। फिर मैं सोचा भाई चलो ड्रैगन ला लैने, अस ड्रैगन लाया कनाल एक मैरती, यह पहला साल है मेरा, पिछले साल हो 25,000 फायदा, इस बार मैं दूसरे साल को 1,00,000 रुपया मैं इसका कमाया। और मैं सारे लोग यही आखना भाई सब्जी छोड़ो तो फ्रूट रहा ही हो। और मैं नींबू भी लाया था, कोई 100 बूटा नींबू लाया था, कोई फल यार थी वो भी कोई मैं 10-12 किलो नींबू लिया मेरा। हाँ बाकी मैं हूँ लाना कोई तिनक नाल, तो बाकी ठीक है, अच्छी फसल अच्छी है। देखो ड्रैगन अस मैं जम्मू गया दिन तो बच्चे आखने भाई लाओ ड्रैगन को आया था वो आंदा असें, तो फिर बच्चे आखने भाई लाओ ड्रैगन लाओ। फिर मैं कनाल एक लाया, खर्चा मेरा आया कोई कनाली पर मेरा कोई 2.5 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने दिता, नेट दिता, उन्हें सबसिडी दी मेरी। हूँ मैं मर्जी टेंडर लैने की मर्जी है, अच्छा फायदा इस बेनीफिट बड़ा। पहले लाया मैं कनाल एक, हूँ मैं 2 लाया बूटा लाया मैं 412 तो वैरती है कि जगह मैं लानी है 3 कनाल कोई 600 बूटा लाना। देखो जी 600 लगे तो फायदा 5-6 लाख रुपया सीजन का और साल च फलदा 7 महीने तो 5 महीने तो सेवा करनी पौंदी है, देसी हल पाने पौंदा है। मेरा टोटली ऑर्गेनिक है सारा, कोई नहीं पाना मैं कोई यूरिया डाया ना। तो इस तरह से हमने एक स्कीम चलाई थी और हमने अभी गड़ी में 20 बच्चों को ट्रेनिंग दी, उसमें 8-7 बच्चियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो काफी सक्षम हो गए हैं। हमने डिपार्टमेंटली भी कुछ रेट्स जो हैं वो हमने अनाउंस किए हैं कि 1 ग्राफ्ट पे 1 बड स्टिक पे सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स में 10 रुपये का है और 10-10 रुपये यानी कि 20 रुपये। अगर कोई 4 बच्चे या 5 बच्चे अगर 1 लाख की जो बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं तो 1 लाख पौधे पे समझ लीजिए उनको 10 लाख तो वही मिल सकता है। और ये सीजनल काम है, कोई ये नहीं है कि 10 बजे से 4 बजे ही करना है, सुबह से शाम के टाइम में भी कभी भी वो कर सकते हैं। अगर बड स्टिक भी वो अपना भी अरेंज कर सकते हैं तो इसका डबल इंसेंटिव जो है सरकार की तरफ से तय है, इसमें कोई हमें कोई कोडल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, रेट्स हमारे क्लियर हैं। वादी कश्मीर में रवां साल सेब की कीमतें बेहतर होने से मेवा सनत के लिए एक सुनहरा साल माना जा रहा है। वादी के दिगर फ्रूट मंडियों की तरह ही आजकल पुलवामा की परीछू फ्रूट मंडी में सेब और नाशपाती की कीमतों में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता साल सेब की कीमतों में जहां काफी गिरावट आई थी, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सेब से लदी ट्रक के दरमियान न होने से भी मेवा काश्तकारों को नुकसान से दो चार होना पड़ा था। तमाम रवां साल सेब की कीमतें बेहतर होने और कौमी शाहरा की हालत भी काबिल बेहतर होने से मेवा सनत को फरोग हासिल हो रहा है। मेवा काश्तकारों ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि रवा साल उनके लिए सुनहरा साल साबित हुआ है। दिस टाइम अराउंड दिस इज वेरी एनकरेजिंग, एवरीबडी इज विनिंग दिस ईयर एंड द डिमांड इज विद द टाइम इट इज गोइंग टू गो अप and inshallah taala I am very hopeful that this year 2023 would be called the golden year. Yus jan is 2023 very sure inshallah rahman yat man chu market ti asal demand ti chu chuntan asal reagent ti chu yem hisab maal aasi tam hisab chu reagent ti wam kinas grower an asal pot grower chu unkes pura mutmain gasan panne maal mutabiq chahe yem hisab maal aasi tam hisab chu reagent yawan بی چھ اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر یس زن اس پنس سہ اک قسم اک مصیبت وتہ ہند پیو یس زن سون مال سڑو تم حساب سے اللہ تعالیٰ کن شکر کران کہ یہ فی الحال ونیک تام وت کلیئر مالس کھان تکت گسان یور گھنس مز تم حساب سے شکر گزار گورمنٹ تہ تک وقت تقریباً کلیئر آسان ڈیلی باقی یوسک وری انشاء اللہ رحمان یہ گروورن خاطر فائدہ مند وری باپار رواں سال جو فروٹ انڈسٹری ہے وادی کشمیر میں
इसको सुनहरी साल कहा जाता है क्योंकि गुज़श्ता साल फ्रूट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। जहां सेब की कीमतें कम हुई वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सेब से लदी ट्रकों को दरमांदा होने से मेवा काश्तकारों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। ताहम इस बार सेब की कीमतें भी काफ़ी बेहतर होने से और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की हालत भी ठीक रहने से सेब के काश्तकारों ने राहत की सांस ली। बिलाल।